हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो आज अपने जो डिक्टेशन करने जा रहे हैं वो पर मिनट 88 वर्ड होंगे, जो कि 88 की स्पीड से डिक्टेशन होगी। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब 5 सेकेंड में डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी के बाद बैंकिंग सेक्टर में घोटालों की कड़ी में एक और नाम सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बने बैंकों के कंसोर्टियम से फर्स्ट इंटरनेशनल नाम की कंपनी 3,500 करोड़ रुपए लेकर दिवालिया हो गई। कारोबार में घाटा दिखाकर पूरे कर्ज को एनपीए करा दिया। इतनी बड़ी रकम के एनपीए होने से बैंकों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मामला सीबीआई तक पहुंचा। कंपनी के कारोबार पर संदेह हुआ तो फर्स्ट इंटरनेशनल के खातों की जांच कराई गई। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी जो आयात निर्यात दिखा रही थी, असल में वह बोगस था। कंपनी ने सिर्फ अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए ही ट्रांजैक्शन दर्शाया है। इतना ही नहीं, कंपनी लगातार उधार सीमा बढ़वाने के लिए कारोबार दिखाती रही और अचानक से 3,500 करोड़ डकार गई। वह कर्ज वापसी के नाम पर चुप्पी साध कर बैठ गई और पैसा वापस ही नहीं किया। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने यह पैसा अपनी दूसरी कंपनियों के माध्यम से कई जगह निवेश किया है। विदेशों में अचल संपत्ति बनाई गई है, यानी एक सुनियोजित तरीके से बैंकों का पैसा लेकर एनपीए में डाल दिया गया। पाई पैरा चेंज। दरअसल ऐसा ही खेल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चल रहा है। आम आदमी बचत के नाम अपनी जमा पूंजी लेकर बैंकों तक पहुंचता है। उसकी नज़र में निवेश के लिए बैंक ही सबसे सुरक्षित स्थान है। दूसरा कोई बेहतर विकल्प है भी नहीं। बैंकों के भीतर एकत्र हो रहे जनता के इसी पैसे पर फर्स्ट इंटरनेशनल जैसी कंपनियां और विजय माल्या जैसे कारोबारी निगाहें टिका देते हैं। बैंकिंग प्रणाली की खामियों का फ़ायदा उठाकर ऐसे लोग वहां से बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसा लेते हैं और फिर धीरे धीरे दिवालिया हो जाते हैं। पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी होते हुए कारोबारी की जेब में ही रहता है, जो चैन से जीवन गुजारने के लिए ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा होता है। कहने को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हकीकत में कोई कार्रवाई होती हुई आज तक नज़र नहीं आई है। आम आदमी के पैसे के प्रति सरकारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया और प्रशासनिक अक्षमता इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। एक और पूरे देश में कैशलेस इकोनॉमी खड़ी करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक घोटालों
के कारण सिसकी भर रहे हैं। जरूरी है कि सरकार बैंकिंग इंडस्ट्री पर जनता के भरोसे को बरकरार रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। बैंकों से बड़े लोन लेकर गायब होने वाले लोगों और जिम्मेदार बैंक अफसरों पर सख्त कार्रवाई करे। देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिंदा बने रहें। अगर बैंकों में जनता का पैसा डूबता है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी आएगा। स्टॉप।